जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमें कुछ बहुत सी स्टार्टलिंग फैक्ट्स रिवील हुई। जो मोडस ऑपरेंडी इनका है, जिसको मैं एक सिंपलर टर्म्स में समझाना चाहूँगी, जैसे लैम्डन लैब ऑलरेडी एक डेजिग्नेटेड एग्ज़ाम सेंटर हो जाता है, उसके कंप्यूटर सिस्टम्स भी सेट होते हैं। सीबीएसई ने एक केंद्रीय विद्यालय ने ये एग्ज़ाम सीबीएसई को बोला कंडक्ट कराने के लिए, और इन रिटर्न सीबीएसई ने एपटेक कंपनी को हायर किया, जो सॉफ्टवेयर, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर सब अपना देख के ये एग्ज़ाम सीबीएसई के बिहाफ में कंडक्ट कराएंगे। एपटेक कंपनी ने मैन पावर भी आउटसोर्स किया है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी आउटसोर्स किया है, एंड उनका जो उनकी तरफ से जो बंदा आया है, दैट इज़ अदनान, ही इज़ ऑल्सो अ आउटसोर्स पर्सन। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए एपटेक का एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। जब इस एग्ज़ाम का जो स्कैम इस तरह हो रहा है कि लैम्डन लैब के कुछ कंप्यूटर्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनमें एक रिमोट एक्सेस कंट्रोल ऐप भी इंस्टॉल्ड है, जो एपटेक के ओरिजिनल एग्ज़ाम प्लेयर को ट्वीक करके एक फेक एग्ज़ाम प्लेयर, एक फेक सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया, जिसको यूज़ करके रिमोट एक्सेस को भी एनेबल करके ये एग्ज़ाम ये करवाते हैं। तो जो कैंडिडेट्स आते हैं फिज़िकली यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, उनका स्क्रीन जो है कहीं और भी साइमल्टेनियसली शेयर होता है, और जो आंसर्स हैं वो भी रिमोटली भरे जा सकते हैं और सबमिट किए जा सकते हैं। तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वे से इसको अंजाम दिया जा रहा है। हमने जो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ले की और दिल्ली से जो हमने एक्सपर्ट्स बुलाए थे, I4C की टीम भी आई थी, एंड उनकी हेल्प से भी हमने काफ़ी टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, जिनको अभी हम फॉरेंसिक्स लैब्स भी भेजेंगे फर्दर डिटेल्स के लिए। बाकी हमने एक्यूज्ड और आइडेंटिफाई किए हैं, टोटल 6 एक्यूज्ड और हैं जो हमने बाई नेम आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये रैकेट और भी बड़ा हो सकता है, एंड आगे आने वाले टाइम में भी हमें और भी लोगों के इसमें इन्वॉल्व होने की गुंजाइश लगती है।